in this video actually i want to the, explain how you can attempt your mock test and important point related to your exam paper in first of all in mock test i don't I want to provide any time limits you without within any time you can attempt but in paper your paper timing will be very very important जिस टाइम पे आपका पेपर स्टार्ट होगा उसी टाइम पे आप लॉगिन हो सकते हैं उसी टाइम के अंदर जो लॉगिन होगा तो दैट्स विल भी ओके और इस टाइम से वन टू मिनट्स वो जो लॉग नहीं होगा तो वो ओके नहीं होगा ओके हो गया सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन होने के बाद अपना डाटा ई और पासवर्ड फूट करने के बाद आप लॉगिन होंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा सेक्शन क्लास में अपना सेक्शन ठीक तरह से लिखेंगे नेम रोल नंबर सारा मेंशन किया बच्चे एक मिस्टेक हुई सी एन एस सी नंबर ये जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो आपने फ़िलअप कर लिया आपने ऐसा किया कि आप बी एस सेवन्थ सेमेस्टर में बी एस सेवंथ की जगह आप सिक्स भूल गए या मॉर्निंग की जगह आप इवनिंग सेक्शन भूल गए या आपने एक चीज़ मिस की एक चीज़ आपने मैंशन कर दी एक चीज़ आपको नहीं पता था डाउटफुल थी आपने मिस कर दी तो बच्चे आपके मार्क्स जीरो कंसिडर होंगे बिकॉज यूर आंसर विल नॉट बी डिटेक्टेड ऑन योर आंसर शीट एंड सेकेंड थिंग आपने अपना नेम की स्पेलिंग अगर गलत लिख दिए तो, तो योर नेम स्पेलिंग विल नॉट बी डिटेक्टेड बाई इन योर आंसर शीट गिवन डाटा प्रोवाइडेड डाटा आपने अपना रोल नंबर गलत लिख दिया तो बेचे यूर गोल रोल नंबर विल नॉट बी डिटेक्टेड इन यूर आंसर शीट ओके हो गया अब आप कहते हैं कि लेट सपोज आपने फिलअप किया और आपसे गलती हो गई आप कहते हैं मैं एडिट कर लेता हूँ तो बेचे आपके एडिट करने का ही यू हैव प्रोवाइड ऑप्शन अगर आप ऑडिट कर भी लेते हैं जैसे मैं आ, मेरा नाम दे था अली और मैंने डबल आई लिख लिया उसके बाद ओ सो री सो सैड मैं ये कैसे करती हूँ कैसे ए वन आई को कट कर देती हूँ तो बच्चे जब मैंने पहली दफ़ा डबल आई लिख लिया दैट्स विल बी डिटेक्टेड दिटेक, सेकेंड एडिटिंग नॉट बी डिटेक्टेड सो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़ीरो होगी जब आपकी रिक्वायरमेंट्स ज़ीरो होगी तो आपकी फ़र्दर सबमिशन व्हाट्स एवर किसी भी टाइप के क्वेश्चन है दैट्स विल बी नॉट बी सबमिटेड सो बी सीरियस इन फीलिंग यूर बायो डाटा तो उस बायो डाटा को आप आसानी सीरियसली फिल फिलअप करें द बट इम्पॉर्टेंट थिंग अब बच्चे ऐसा करते हैं कि आपने ऐसा किया कि आपने ऐसा यूज़ किया कि आपने अपनी सिस्टर को कह दिया कि आप ना बच्चे मेरा ये बायो डाटा फिलअप कर लें और मैं तब तक पेपर को रिजॉल्व कर लूँ ऐसा होता है बहुत तो अच्छे तरीके से होता है कि आए मेरा पेपर रिजॉल्व कराएं मैं आपका फिलअप कर लेता हूँ आप मेरा फ़िलअप कर लें और सिस्टर जो है वो फिलअप करती दीजिए और मुझे इधर क्वेश्चन बताती जाएँ और मैं उनको गूगल से सर्च डाउन करके उसको पॉइंट फिल करता जाऊँ ताकि कोई भी किसी भी टाइप की मिस्टेक ना होगी उन सिस्टर को साथ फादर को साथ मदर को साथ तो बच्चे ऐसा होगा कि जैसे ही आपने अपना ये डाटा फिल करना है सो सिंपल यूअर पिक्चर विल बी कैप्चर ठीक है जिधर से भी आप लॉग इन होंगे तो आपकी पिक्चर कैप्चर हो जाएगी ओके okay हो गया पिक्चर आपकी कैप्चर हो जाएगी और आपकी इस तरह की इेलीवेंट एक्टिविटी नोट हो जाएगी सो so सिंपल तो लिहाजा अपना पेपर खुद अटैम्प्ट करें इट्स मस्ट और यह बहुत अच्छी बात है कि आप खुद ही अटैम्प्ट करें अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे आपका फिर भी डाटा कंसिडर नहीं होगा जीरो हो जाएगा तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपने मैंने देखी मैं सारा क्वेश्चन मैंने पुट डाउन कर लिए सारे ऑप्शन वच वच जो भी मुझे लगा अच्छा ठीक लगा मैंने सबमिट कर अब मैं सोच रही हूँ ओह शिट आ, इसका आंसर तो ये था ये एंड आई विल सबमिट दिस वन तो एडिट कर लें तो बेटी आप एडिट भी कर लेंगे आपको सारा भी शो आउट हो जाएगा बट जो आपने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया होगा क्वेश्चन डार्स विल बी शोन नेक्स्ट एडिटिंग ऑप्शन विल नॉट शोन, सो सिंपल वेरी गुड बी वेरी बैड है ये ये चीज बहुत गलत है अब हम ऐसे करते हैं कि सारा पेपर हमने स्क्रॉल डाउन कर लिया देख लिया अब हम क्या करते हैं कि इनके सारे स्क्रीन शॉट ले लेते हैं ये इनको नोट डाउन कर लेते हैं व्हाट्सएप कुछ भी कर लेते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं सो सिंपल कि भाई नोट डाउन करना भी बहुत मुश्किल है स्क्रीन लेना भी बहुत मुश्किल है अब हम ऐसा करते हैं कि भाई इंटरनेट फैसिलटीज़ व्हाट्सअपर सारी कुछ एग्जिस्ट करती हैं आप कॉपी कर लेते हैं मैं इसको सो सिंपल कॉपी करके गूगल पर पे जाके पेस्ट कर देती हूँ यूट्यूब पर पे पेस्ट कर देती हूँ व्हाट्सएपर कोई भी किसी फ्रेंड को व्हाट्सअप कर व्हाट्सअप कर लेती हूँ आप अपनी सिस्टर को कह देती हूँ कि आप सर्च डाउन कर लो इंटरनेट लिंक से या आप व्हाट्सएपर कुछ भी कर लो तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप सर्च में डाल देते हैं तो बच्चे आप इस क्वेश्चन के आंसर को जब सर्च डाउन करेंगे और इसके पॉसिबल रिलेटेड क्वेश्चन को भी सर्च डाउन करोगे गूगल विल बी डिटेक्टेड एंड यूअर आंसर कंसीडर विल बी चीटिंग यू हैव टू चीट वाई आर दिस दिस रिसोर्स तो आपको क्या करना होगा वेरी बैडली यू डोंट परफॉर्म दिस वन आप इसी से किसी भी टाइप की फॉर्म में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे आपका आंसर कंसीडर रॉन्ग होगा तो पॉइंट टू बी नोटेड आपने फर्स्ट एम सी की उसको रिजोल्व करते हुए बहुत टाइम लगा दिया सेकेंड एम सी की उसका टाइम मिसअप हो गया थर्ड का भी मिसअप हो गया अब आप कहते हैं ओ लो शिट अब ऐसा करते हैं सेकेंड की तरफ चलते हैं और थर्ड की जो आपने टाइम विद इन टाइम लिमिट्स जिसका आंसर सबमिट किया होगा वो आपका आंसर डिटेक्ट हो जाएगा और विद इन टाइम लिमिट जिसका आंसर आपने सबमिट नहीं किया होगा वो मिसिंग नहीं आएगा तो योर वॉल मार्क्स विल बी ज़ीरो सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस तो आप इस तरह की रेलिवेंट एक्टिविटीज़ में ना जाएँ अब अच्छे आप ये करते हैं कि आप कहते हैं कि मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता इस चीज़ को और मैं गूगल पे सर्च नहीं करता ऐसा करती हूँ इसको मैं अपॉइंट में सिस्टर को कहती हूँ कि आप अपॉइंट करो नोट करो और सिस्टर जो है वो मेरे मोबाइल के दूसरे नेट से मीन के आईपी एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं व्हाट्सएपर और उससे वो क्या करती है कि वो सर्च डाउन कर लेती है तो बच्चे ये जो सारी तमाम सर्चिंग एक्टिविटी हैं इन योर एग्जाम टाइम आपकी सर्चिंग एक्टिविटी यूअर सर्चिंग एक्टिविटी और यूअर फ्रेंड सर्चिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस पेपर विल बी नोट ठीक है अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि आल द यूनिवर्स में भी एट अ टाइम ये पॉइंट ये क्वेश्चन सर्च कर रही हो और उसकी सर्चिंग में आ रहा हो और उस चीज़ को वो सब कुछ देख रही हो तो अगर मेरी सिस्टर कर लेगी उसमें तो क्या हो सकता है कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो सकता तो बच्चे इस चीज़ को आप छोड़ दें ये सोचना बिकॉज़ जब भी आप इस टाइम लिमिट के अंदर जो भी बच्चा किसी भी टाइप की सर्चिंग करेगा और इस टाइम लिमिट के अंदर तो उसकी वो जो सर्चिंग है वो नोट डाउन की जाएगी ठीक है वो नोट डाउन की जाएगी ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सर्चिंग जो है वो नोट डाउन की जाए आपकी सर्चिंग अगर कोई भी दुनिया का बंदा सर्चिंग कर रहा होगा उस टाइम में तो वो नोट डाउन हो जाएगी ठीक है आप किसी किसी ने उस टाइम में सर्चिंग नहीं करनी जस्ट आप लोगों के और किसी ने उस टाइम में ये शेयरअप नहीं करना जस्ट आप लोगों के आपका नेट इंटरनेट आईपी एड्रेस सेम आपके आ, ज, इस जब आप एग्ज़ाम लेंगे मीनिंग जिस एरिया में आपने एग्ज़ाम लेना है देना है आपने तो उस एरिया में आप जितनी भी मोबाइल यूज़ करेंगे जितनी भी रिसोर्सेज चूज़ करेंगे वो तमाम के तमाम उस एरिया के अंदर डिटेक्टेबल होंगे उस सर्विस के अंदर ठीक है बच्चे तो आपका पिक्चर जब सब कुछ बन रही होगी तो आप शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर आप किधर भी शेयर करेंगे आप बोलेंगे हाँ आप अब बोल तो नहीं रहे मैं बोल रही हूँ तो आपने कहना तो है आप आप किसी और रूम में चले जाते हैं या व्हाट्सएप पर कहीं और जगह जाते हैं आप बोलेंगे तो आपकी पिच वाइस आपकी वॉइस जो होगी वो आपकी नोट डाउन की जाएगी आप हाँ ये करते हैं कि आप ऐसा करते हैं कि आप नीचे लिखते हैं और उसके बाद आप उसको व्हाट्सएप पर कुछ इमेज के तौर पर शो करना चाहते हैं तो आपकी इमेज आल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आपकी नोट हो जाएंगी तो ये मत सोचें कि वो कैसे नोट होंगी या किस तरह से नोट होंगी आल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ यू विल बी नोटेड ठीक है और तो इसो इस तरह की एक्टिविटीज़ को ना शो करें एंड आप नेक्स्ट करेंगे ये देखिए मैंने सारा सबमिट कर दिया आंसर नेक्स्ट करेंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन के इमेजेस नेट से गूगल से सर्च कर लिए वो आप देख लेंगे तो लिहाजा आप आ, क्या करेंगे कोई भी इरेलीवेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे और अपना पेपर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे पॉइंट टू बी नोटेड uh, बच्चे ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग एग्जाम अटैम्पन आई हैव देर इज़ नो इंटरनेट फैसिलिटी मिस डेप हो गया भाई इंटरनेट हाँ तो बेचे आपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट कर लिया यहाँ तक अब आप, आप कहते हैं दोबारा आप लॉग इन हो जाएँ और दोबारा आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें सो सिंपल यू डोंट हैव सच टाइप ऑफ ऑप्शन हाँ अब अगर आप ऐसे करते हैं कि आप पेपर को लेट टाइम हो गया आपका आप छोड़ आपको पता नहीं चला पेपर लिंक आ चुका था और आप अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे आप बाजार गए हुए थे या व्हाट्सएप पर आप कहीं भी गए हुए थे तो आपने क्या किया कि आपको पेपर कुछ भी शो नहीं हुआ उस टाइम में आप अपेयर नहीं हुए और आप फिर बाद में लेट अपेयर हुए और उसके बाद आपकी लेट सबमिशन हो गई तो बच्चे जो क्वेश्चन का टाइम के अकॉर्डिंग आप अपेयर हो जाएंगे जिस क्वेश्चन में तो उसका आंसर सबमिट हो जाएगा और जिस क्वेश्चन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपेयर नहीं हो पाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर आपका सबमिट नहीं होगा थैंक यू सो मच बच्चे आई आई होप्स हो कि आपको तमाम टाइप की आ, आ, क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे क्लियर हो गए होंगे और आप तमाम टाइप की इरेलीवेंट एक्टिविटीज़ जो भी आप करेंगे वो भी आपकी नोट no डाउन हो जाएगी गई होंगी कि आप किस तरह से और कैसे आप कर, करना है आपको और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टाइप का रिलेटेड टू दिस सेक्शन यू कैन आस्क मी बाई अ बॉक्स बट पॉइंट टू बी नोटेड कि बच्चे आप एक बात बिल्कुल क्लियर करें If you choose any type of resource of cheating, so simple your cheating will be better de detected. Okay okay. And if you don't attempt within time limit your exam, your paper, your exam will not be considered. If your data any type of data will be considered as wrong due to any type of mistake, your answer sheet contains zero marks. ग्रेडिंग में आपकी आंसर शीट क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो लिहाजा भी कॉन्शियस इंजूअर एग्जाम अटैम्प्ट करें एट अ टाइम टाइम लिमिट्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करें नो चीटिंग मटेरियल कोई भी चीटिंग मटेरियल आप यूज़ ना करें कि आपके पास डिटेक्ट हो जाए किसी भी टाइप की चीटिंग आप आराम से अपना पेपर रिजॉल्व करें सो so सिंपल जैसे आप एग्ज़ाम फिजिकली आके आपने पेपर लेते हैं उस वक्त आप कोई भी किसी भी टाइप की चीटिंग मटीरियल आपके पास नहीं होता उसी तरह से आप अपना चीट एग्ज़ाम रिजॉल्व करें आंसर सबमिट करें एंड बेस्ट विशेज एंड गुड लैक